बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड और हैलोल्केन्स का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज योर एसएन 1 रिएक्शन। हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में एसएन 2 की कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल थी, तो अच्छा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएन 1 रिएक्शन। अगर शॉर्ट से रिवाइज कर लें तो हमने ये बात डिस्कस की कि 1 मींस दैट रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर, इनका बच्चा ऑर्डर 1 होगा और ये आपके रिएक्शन 2 स्टेप्स में प्रोसीड होंगे। इसके अलावा These reactions are given by tertiary alkyl halide or tertiary haloalkane। ये बच्चे आपको ज़हन में रखना होगा कुछ पॉइंट। और साथ हमने ये बात डिस्कस की थी that reaction are given by polar solvent। ये polar solvent की कंडीशन में ऑपरेट होगा, because polar solvent are used to break a covalent bond between carbon and halogen। तो बच्चे हम पहले डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म और उसके बाद डिस्कस करेंगे द डेफिनेशन। ये बच्चे आपको बातें ध्यान में रखनी होंगी। नाउ डिस्कस फर्स्ट वन द मैकेनिज्म एंड देन द डेफिनेशन ऑफ द एसएन 1 रिएक्शन। नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देयर आर 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। लेट अस सपोज बच्चे मैं मिथाइल ग्रुप ले रहा हूं, मे राइट आर एज वेल और एनी अल्काइल ग्रुप, टेक हैलोजन हियर। नाउ दोस्तों बच्चे ध्यान देना आप लोगों ने, जैसे आपके एसएन 2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था ऑन अल्फा कार्बन, ये आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड थे, ओएच न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फ्रॉम द बैक साइड, बिकॉज़ राइट साइड पे सीएल है और वो उसको अटैक करने नहीं दे रहा, तो ओएच मूव्स टू बैक साइड ऑपोजिट साइड एंड अटैक्स ऑन अल्फा कार्बन, फिर आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद दे गॉट फाइनल प्रोडक्ट। In these reaction, SN1 reaction, same we have to attack nucleophile on alpha carbon. और जैसे बच्चे आपका nucleophile attack करने आएगा from the right side where halogen is present, it contains negative charge, तो वो OH को attack करने नहीं देगा, ये move करेगा back side पे attack करने के लिए from the opposite side of halogen. Then when it going to attack on alpha carbon, there are 3 bulky or बिग अल्काइल, बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये इसको स्पेस में रोक देंगे, रिपेल कर देंगे और अल्फा कार्बन पे अटैक करने नहीं देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल के पास कोई चांस नहीं है रिएक्शन का, आइदर फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इट मींस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड इन सिंगल स्टेप, ये आपका एक स्टेप में नहीं हो सकता। तो अब आपको क्या करना होगा रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए, पहला काम अब आपको आइडिया हो गया कि आप जब तक बॉन्ड नहीं तोड़ोगे OH के पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करने के लिए नो स्पेस अवेलेबल, सो रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। ये बात बच्चे ध्यान में रखना, यहां पर तीनों लाइटर ग्रुप थे, OH के पास अटैक करने की जगह थी फ्रॉम द बैक साइड, यहां पर बल्कि अल्काइल की वजह से OH अनएबल टू अटैक ऑन अल्फा कार्बन फ्रॉम एनी साइड, यहां पे सीएल नहीं आने दे रहा और यहां पर 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप नहीं अटैक करने दे रहे, दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, जगह खाली हो जाएगी तो OH के लिए अटैक करना आसान होगा। इन द मैकेनिज्म वी टेक अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 3 अल्काइल और 3 कार्बन, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ये हो चाहे आपका अल्फा कार्बन है और OH के पास नो स्पेस टू अटैक, तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, आप इसमें पोलर सॉल्वेंट डालोगे, वी नीड पोलर कंडीशंस और पोलर सॉल्वेंट, जिसको पानी में डालोगे पोलर सॉल्वेंट में डालोगे आयोनाइजेशन होगी और पोलर सॉल्वेंट इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड यू गॉट द पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दे आर सेपरेटेड, यू गॉट CH3 CH3 CH3, आयोनाइजेशन टेक प्लेस, दिस क्लोरीन टेक बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कोवलेंट बॉन्ड, ये आपका बच्चे यहां से रिमूव हो जाएगा और आ जाएगा Cl- एंड दैट फॉर्म्स कार्बोकेटाइन आल्सो नेम्ड एज कार्बोनियम आयन। इन फर्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन प्रोसीड इन स्लो स्टेप। इन सेकेंड स्टेप स्पेस इज अवेलेबल, तो बच्चे अब आपके न्यूक्लियोफाइल के पास चांस है टू अटैक ऑन अल्फा कार्बन वेरी इजीली,
दैट इज योर अल्फा कार्बन दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड द न्यूक्लियोफाइल ओएच नेगेटिव अटैक दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अल्फा कार्बन एंड योर प्रोडक्ट इज ओएच अटैक फ्रॉम द साइड वेयर हैलोजन इज प्रेजेंट सो यू गॉट द प्रोडक्ट वेरी इजीली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन प्रेजेंस ऑफ आयन दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट ये बच्चे हमारे पास दो स्टेप का रिएक्शन है लेकिन एक बार जहन में रहे दैट इज जो हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में कि ओएच जो अटैक कर रहा है फ्रॉम द कार्बन इट मे अटैक फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड बिकॉज द अल्फा कार्बन इन रिएक्टेंट दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज इट कंटेन ऑल सिंगल बॉन्ड एंड ऑल सिग्मा बॉन्ड नाउ In carbocation, there are 3 sigma bonds. Carbon makes 3 sigma bonds. That should be sp2 hybrid. And in final product, carbon is again sp3 hybrid. So sp2 carbocation की वजह से that contain 1 p orbital unhybrid. So OH attack from the either from the right side or from the left side due to p orbital available on carbocation. Which is perpendicular from the plane of molecule. Means इसके एक लूप बाहर है बोर्ड के और एक लूप बोर्ड के अंदर है. OH attack from the front side or from the back side. Now first we define and then we discuss in details the stereochemistry. The definition is in these reactions. अच्छा आपने इन दोनों steps को जहन में रखना है. तो आपको समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी. In these reactions, two steps are involved. Two steps are involved. In first step, tertiary alkyl halide ionized by polar solvent to form tertiary carbocation or carbonium ion. And in second step, nucleophile attack to give final product. कुछ यहाँ ये बात करना मेंशन लाजमी होगी कि फर्स्ट स्टेप इज स्लो वाइल सेकंड स्टेप इज फास्ट बिकॉज हमें स्लो स्टेप से रिएक्शन की काइनेटिक्स रिएक्शन के ऑर्डर फाइंड करने होते हैं दैट इज योर रेट डिटरमिनिंग स्टेप और RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप दैट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट ये बच्चा आपको ध्यान में रखना होगा तो आपको याद करने में काफी आसानी हो जाएगी नाउ डिस्कस काइनेटिक्स और काइनेटिक एविडेंस काइनेटिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन नाउ वी डिफाइन एज काइनेटिक डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप इन दोनों में से स्लो स्टेप कौन से वाला है दैट इज योर फर्स्ट स्टेप सो वी से द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of substrate only not on the nucleophile because pehle step mein slow step mein only substrate is responsible for the reaction or tertiary alkyl halide so rate of reaction directly proportional to concentration of tertiary alkyl halide that is your CH3Cl CCl concentration और जब बच्चे इसको आप कन्वर्ट करोगे इक्वालिटी में तो कांस्टेंट प्लेस कर दोगे CH3CCl एंड नाउ व्हेन यू फाइंड द ऑर्डर सो कंसंट्रेशन पावर इज 1 सो दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये बच्चा आपका निकल आएगा ऑर्डर इज 1 सो दे आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड यूनिमॉलिक्यूलर इन नेचर ये बच्चे हमारे पास कंसेप्ट है For kinetics of SN1 reactions. The stereochemistry of SN1 reaction is very important for the board exams. Now we discuss stereochemistry or stereochemical evidence. बच्चे जो आपका carbocation बना था in first step that contained positive charge on central carbon or alpha carbon. And that carbon is sp2 hybrid because there are 3 sigma bonds. Then there is 1s and
2p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1p ऑर्बिटल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज योर कार्बोकैटायन। तो बच्चे इसके p ऑर्बिटल प्रेजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इन सेकंड स्टेप अटैक आइदर फ्रॉम द साइड वेयर हैलोजन इज रिमूव मीन फ्रॉम द राइट साइड एंड may chance to attack from the opposite side because these two loops are of same shape or same in size. तो बच्चे वॉच के पास दोनों options हैं, it may attack from the right side जहाँ से CL remove हुआ or from the back side. So बच्चे हम ये कहते हैं there is a 50% chance for incoming nucleophile to attack from the right side and 50% chance to attack from the opposite side. It means आपके पास प्रोडक्ट में दो ऑप्शंस होंगे, 50% राइट साइड मीन देयर इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन मींस इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और बच्चे अगर ये बैक साइड से अटैक करे तो देयर इज अ चांस ऑफ इन्वर्जन मींस 180 डिग्री फेस शिफ्ट टेक प्लेस। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है, इसका मतलब ये हुआ पहला चांस आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करे अल्फा कार्बन पे फ्रॉम द साइड ऑपोजिट टू लिविंग ग्रुप, अगर यहां अटैक कर दे तो ये आपकी होगी जी 50% इन्वर्जन, और अगर बच्चे बच्चे अटैक कर दे फ्रॉम दैट साइड वेयर हैलोजन रिमूव मीन हेयर तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन एंड दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। सो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड the racemic mixture. Now we write as the carbocation or carbonium ion is sp2 hybrid, so it contains one unhybrid p orbital present perpendicular from the plane of molecule, so nucleophile may attack from any side. It means number one, there is 50% chance for nucleophile to attack from, and second one, there is 50% chance for nucleophile to attack from back side. So we say the final product is racemic mixture. तो ये बच्चे आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स थे रिगार्डिंग SN1 रिएक्शंस।